में आपको त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, साइन थीटा 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी मान होते हैं, सारे के सारे मान आपको बहुत ही ईजी तरीके से आज की इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको त्रिकोणमिति के जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आपको बस एक ट्रिक अप्लाई करना है, उस ट्रिक की मदद से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। आपको क्या करना है, आपको कहीं रफ में आपको इसमें तो मान पुट करना है, मान आपको याद करना है। तो आपको क्या करना है, कहीं रफ में क्या करना है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो क्या करना है इसमें, देखिए 1, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 है, ठीक है, तो 0 है तो शुरू में एक हम 0 लिख देंगे, 0 है इसीलिए 0 कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब सब के बटा में क्या करेंगे, 4 रख देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 4 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बस ये क्या 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गया, तो सब के बटा में हम 4 रख देंगे, 4 रख दिए। अब क्या करेंगे, रूट बना देंगे, रूट क्या करना है, रूट बनाना, सबको रूट में ले जाइए, सबको रूट में ले गए। अब देखिए 0/4 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0, 1/4 तो रूट 1 का मान जो होता है वह होता है 1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा 1, और रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद रूट 2 का हो जाएगा, रूट 2 रहेगा, और 4 की कितना हो जाएगा 2, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो हम 2 की जगह क्या लिखेंगे, √2 × √2, ठीक है, 2 की जगह, तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा √2 × √2, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1/√2 इसका आ गया, 1/√2, ठीक है। 3/4 तो √3, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, तो ये किसका निकल करेगा, इसका 4/4 का मतलब हो गया 1, 1 का वर्गमूल नहीं होता है, मतलब 1 का 1 ही होता है वर्गमूल, हो गया। अब हमको मान पुट करना है, तो 0 किस में आएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल कर आ गया 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। आपको क्या करना है, बस यही करना है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को अनुपातिक मान होता है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 0 से शुरू है, इसीलिए 0 से लेकर के 4 तक जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। आपको अगर ये पहला मान निकालने आ गया तो आप सभी मान को आसानी से निकाल सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। तो 0 हो गया, 0/ क्या करना, सभी में बटा में 4 कर देना है और सभी में रूट लगा देना है, तो 0/4 0 हो गया, 1/4 1 का वर्गमूल नहीं होता है, मतलब 1 का कोई भी वर्गमूल पर हो नहीं करता, √1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 1/2, √2/4 √2 का वर्गमूल √2 का तो होता नहीं है, मतलब √2 ही रहेगा, तो √2, √4 का कितना हो गया 2, अभी 2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, तो √2/√2 √2 से √2 कट गया, ऊपर बच गया 1, तो 1/√2, तो 1/√2 45 का मान हो गया, 60 का √3/4 √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3, 4 का निकलेगा 2, तो √3/2, और ये 4/4 है, कट गया √1, √1 का करेंगे तो 1, तो इसलिए 1। इतना मान अगर आपको एक मान इसमें का याद है, तो 5 को जो मान आप देख रहे हैं, 5 को मान आप ऑटोमेटिक निकाल सकेंगे। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर अब हम साइन का लिख लिए, हम जानते हैं कि साइन का उल्टा मान में, साइन का उल्टा कॉस होता है, मान में साइन का उल्टा कॉस होता है, तो जब यहाँ से किए तो अभी लास्ट वाला से उठाइए, तो ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, √3/2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसको तो बीच में के बीच में रहेगा, ठीक है, इसको इधर ले जाइए और इसको 0 कर दीजिए, मतलब जो शुरू वाला में है उसको लास्ट वाला में ले जाना है, जो लास्ट वाला में है उसको शुरू वाला में ले जाना है, यानी इसमें क्या किया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको दूसरे नंबर में लिखेंगे, तो इतना ही रहेगा, ये चल जाएगा चौथे नंबर में, ये शुरू में था तो लास्ट में चल जाएगा,
तो साइन का और कॉस का मान हमको मालूम चल गया। साइन का कॉस का कैसे मान निकालना है वो भी निकाल लिया। अब क्या करना है, टैन का निकालना है। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, शायद आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हमको टेन जीरो डिग्री का मान निकालना है। टेन जीरो डिग्री का मान निकालना है तो साइन जीरो डिग्री बटे कॉस वन डिग्री, मतलब जीरो डिग्री। तो साइन जीरो डिग्री का मान जीरो और कॉस जीरो डिग्री का मान वन, तो साइन जीरो डिग्री बटे कॉस जीरो डिग्री, तो जीरो बटे वन कितना होगा, जीरो बटे वन कितना होगा। अब जानते हैं जीरो बटे वन का मतलब ही होता है जीरो, कितना होता है जीरो, जीरो बटे वन का मतलब जीरो। अब देखिए अब इसको इसको बटा में करना है, दोनों को बटा में करिए, एक बटे दो एक बटे रूट थ्री बटे दो, तो दो से दो कट जाएगा। देखिए एक बटे दो बटा में है तो बटा में क्या करेंगे, इसको गुना में ले जाएंगे तो दो बटे रूट थ्री, दो से दो कट गया तो वन बटे रूट थ्री, तो इसमें कितना आ गया वन बटे रूट थ्री। ठीक है, इसमें देखिए वन बटे रूट टू वन बटे रूट टू दोनों एक समान है, कट जाएगा तो बचेगा वन। ठीक है, इसमें देखिए रूट थ्री बटे टू इसमें है वन बटे रूट टू, तो टू से टू कट जाएगा तो कितना बचेगा रूट थ्री बचेगा। वन बटे जीरो तो वन कोई भी संख्या के मान में अगर जीरो है, वन बटे जीरो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इसमें क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब आप जानते हैं कि टेन का उल्टा मान में कॉट होता है, ये अपरिभाषित है तो यहाँ पर अपरिभाषित, ये रूट थ्री यहाँ पर चल जाएगा, वन का वने रहेगा, ई चल जाएगा इस बगल और ई इसके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए सेक का, तो आप जानते हैं कि सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक जो उल्टा होता है कॉस का मान में, और कॉसेक जो उल्टा होता है किसका होता है, ये होता है साइन का। तो सेक थीटा बराबर आप लोगों को फॉर्मूला शायद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अगर आप लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप यहाँ देखिए सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम देखिए, देखिए आपको कुछ फॉर्मूला याद होगा कि नहीं होगा मैं आपको बता दूं, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर वन होता है। ठीक है, और इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है वन बटे कॉसेक थीटा, तथा कॉसेक थीटा बराबर होता है वन बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर वन होता है, कॉस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा, तथा सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा होता है। उसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन, टैन थीटा बराबर वन बटे कॉट थीटा, तथा कॉट थीटा बराबर वन बटे टैन थीटा होता है। ये छः मान होता है, इसी के आधार पर हम बनाएंगे। तो साइन थीटा का मान हमको क्या निकालना है, सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का मान देखिए यहाँ पर है, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा वन बटे कॉस थीटा, तो वन बटे कॉस थीटा जो मान है उसको ऊपर में वन लगा देना है। तो चलिए कॉस का मान कितना है वन, तो वन के ऊपर में अगर हम वन लगाते हैं तो ये वन रहेगा। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए इसका मान है 30 डिग्री का रूट थ्री बटे टू, इसको हम क्या करेंगे बटा में करेंगे, तो वन बटे वन बटा में है भाग रहेगा तो उलट जाएगा, तो टू बटे रूट थ्री देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा टू बटे रूट थ्री उल्टा हो जाएगा, तो टू बटे रूट थ्री। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे, वन बटे रूट टू है इसको उल्टा करेंगे, तो वन बटे वन रूट वन बटे रूट टू है तो रूट टू ऊपर चल जाएगा, वन नीचे आएगा, वन से वन कट जाएगा कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, रूट टू का रूट टू रहेगा, वन गुने रूट टू रूट टू, तो यहाँ पर हम रूट टू लिख देंगे। ठीक है, अब इसका तो हम कर लिए उल्टा, इसका करेंगे वन बटे टू का उल्टा करेंगे, तो वन बटे टू का उल्टा कीजिए, चलिए यहाँ पर देखिए वन बटे वन गुने वन बटे टू है तो टू ऊपर चल जाएगा टू बटे वन, तो वन से वन वन गया मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा वन का, तो टू का टू रह जाएगा। और जीरो का उल्टा करेंगे तो वन बटे वन गुने जीरो बटे वन, तो जीरो से ये तो कट के जाएगा कितना हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये मान हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, कॉस जीरो डिग्री का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है,
या फिर 1 बटे 0 को अपरिभाषित के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो अपरिभाषित कीजिए तब चाहे 0 कीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, 0 के बराबर ही वैल्यू रहता है। अपरिभाषित का मान भी जो होता है उसको भी 0 के बराबर ही वैल्यू रखते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं कौसे का भी, ठीक है, चाहे तो से का उल्टा कौसे करके यहीं से निकाल सकते हैं, 0 2 √2 ई मान उधर चल जाएगा, ठीक है, रूट टू ई मान उधर चल जाएगा, 2 √3 1 उधर चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा करेंगे तो 1 √0 0 हो जाएगा, 1 √2 का करेंगे 1 से भाग तो 2 हो जाएगा, 1 √2 का करेंगे तो √2 हो जाएगा, 3 √2 का करेंगे तो 2 √3 और 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति में जो 6 थीटा का मान होता है आप निकालना सीख गए हैं। साथ में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालना भी मैं आपको सिखा दिया हूँ। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और भी ऐसे फॉर्मूले जो त्रिकोणमिति में काम आते हैं। जो बच्चे त्रिकोणमिति में नहीं समझ पाते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी जरूरी था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो इस चैनल पर रेगुलर अपलोड किए जाते हैं।